हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मायावती के बाद अब अखिलेश यादव ने भी खेला ओबीसी कार्ड। कहा, यूपी में सरकार बनी तो जातीय जनगणना करवाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने कहा, बीजेपी कभी नहीं करवाएगी जातीय जनगणना, सिर्फ वोट के लिए दिए जा रहे हैं मंत्री पद। अखिलेश ने उठाया सीएम योगी की भाषा और ज्ञान पर सवाल। कहा, बाबा नहीं चलाना जानते लैपटॉप। डीएनए को लेकर भी कसा सीएम योगी पर तंज। अब्बा जान पर यूपी में सियासी घमासान। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश से पूछा, अब्बा जान शब्द से उन्हें आपत्ति क्यों? मुलायम सिंह भी तो उन्हें टीपू कहते हैं। अखिलेश यादव के फेक न्यूज वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हेट न्यूज वाले फेक न्यूज की बात करें तो मजाक लगता है। आगरा में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। साथ में राधामोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। बैठक में नड्डा और योगी ने बीजेपी नेताओं को बताया 2022 में जीत का रोडमैप क्या होगा और यूपी चुनाव में बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी। थोड़ी देर में जेपी नड्डा कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर सेवा करने वाले डॉक्टर्स को किया जाएगा सम्मानित। 9 अगस्त से बीजेपी शुरू करेगी पूरे उत्तर प्रदेश में मेगा अभियान। संगठन को और मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा प्रोग्राम करेगी। अगले साल 26 जनवरी तक चलेंगे अभियान। यूपी की चुनावी जंग में AIMIM ने एक ट्वीट से मचाई हलचल। लिखा, हम उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में अपना शेयर चाहते हैं और हम ये लेकर रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा कल शाम लौटेंगे वापस। उनके शानदार स्वागत की हैं तैयारियां। नीरज चोपड़ा की माँ बोली, नीरज के स्वागत में डीजे बैंड बाजा सब बजेगा, हमारे लिए दिवाली होली सब होगी। नीरज के पहुंचने से पहले शुरू हुआ जश्न। घर परिवार के लोगों ने नाच गाकर मनाया जश्न। 87.58 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड। ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने पहली बार मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा की शान में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने दोहराई वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां। लिखा, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिले एनबीए के सदस्य। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और एनबीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा की अगुवाई में मेंबर्स ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। कोरोना संकट में ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों और चिंता पर आईबी मिनिस्टर के साथ चर्चा हुई। मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया बोले, 4 ओलंपिक से कुश्ती ने लगातार मेडल दिए, 2024 में भी कुश्ती में 3-4 मेडल जरूर आएंगे। ओलंपिक पर कांग्रेस ने शुरू की सियासत। पी चिदम्बरम बोले, सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट के फंड में सरकार कटौती करे, पैसे से करे अगले ओलंपिक के खिलाड़ियों को तैयार। चिदम्बरम ने कहा, 2024, 2028 और 2032 ओलंपिक के लिए सरकार को अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा की दिल्ली को दहलाने की साजिश। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस को मिली धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में आतंकियों के सिंगापुर से आने की खबर दी गई। एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को किया गया सूचित। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन। श्रीनगर, रामबन, अनंतनाग समेत कई जगहों पर घाटी के सियासी दलों के दफ्तरों पर छापेमारी। एनआईए की सीआरपीएफ के साथ मिलकर 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए की रेड बैन किए गए संगठन जमात इस्लामी के कनेक्शन रखने वाले ठिकानों पर हो रही है। भारत ने चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए दिया था 75,000 राइफल्स का ऑर्डर। अमरीकी कंपनी SIG सौर से हुआ था 780 करोड़ रुपए का करार। LSC पर चीन से निपटने के लिए डबल तैयारी। भारतीय सैनिकों के लिए बनाए जा रहे हैं मॉड्यूलर शेल्टर। मॉड्यूलर शेल्टर में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग की सुविधा भी रखा गया खास ख्याल। सैनिकों को दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखने में इससे मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत तेज। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े मंदिरों को खुलवाने पर अड़ी है बीजेपी। बीजेपी ने दिया उद्धव सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मंदिर के नाम पर MNS भी आई बीजेपी के साथ। कहा, जब मंत्री मंदिर जा सकते हैं तो जनता क्यों नहीं। कोविड नियमों के साथ मंदिरों को खोलने की इजाजत दी जाए। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर गिरीश गौतम ने मानसून सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद शिवराज बोले, विधानसभा सुचारू रूप से चले इसके लिए स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली के रैन बसेरों में रह रहे लोगों के लिए भोजन वितरण अभियान के उद्घाटन में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, इन लोगों पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं जाता। देश की सुरक्षा के लिए 53 जाबाज अफसरों की एंट्री। ITBP अकादमी मसूरी में हुआ पासिंग आउट परेड समारोह। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल कार्टून OMG को मिला बेस्ट डिजिटल कंटेंट एनिमेशन 2021 का अवार्ड। टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स 2021 में मिला ये सम्मान। असम मिजोरम सीमा विवाद पर बोले बद्रुद्दीन अजमल। कहा, सिर्फ मिजोरम ही नहीं आसपास के सभी राज्यों ने असम की जमीन हथियाई। अमित शाह से मुलाकात कर जमीन वापसी पर बात करेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने PM मोदी को लिखा खत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की अपील की।
भगवान शिव की पवित्र चांदी की गदा छड़ी मुबारक को आज श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया। हरियाली अमावस्या के मौके पर प्रार्थना के लिए ले जाई गई है ये छड़ी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में हरेली त्योहार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक अंदाज में डांस किया। भूपेश सिंह बघेल ने उत्सव में लिया पूरा आनंद। झूला झूलते नजर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। मुंबई सरकार की कोविड प्रतिबंधों में रियायत के बाद रविवार को दिन जुहू बीच पर लोग पहुंचे। बीच पर पहुंचकर लोगों ने राहत की सांस ली। विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन पहुंची कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। हेल्थ वर्कर से बातचीत कर वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ काफी सुहाना। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। जलजमाव से ट्रैफिक मूवमेंट में पड़ा है काफी असर। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पर्याप्त राहत नहीं पहुंचने से लोग नाराज हैं। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक शख्स ने खुलेआम बर्थडे जश्न में फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। मुंबई में चलती कार में एक शख्स की हत्या। पत्नी ने प्रेमी और सहेली के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। मर्डर करने वालों की तलाश जारी है। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक कारोबारी और उसके नौकर की कुछ लड़कों ने बुरी तरह से पिटाई की। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस शिकायत दर्ज करके तफ्तीश में जुटी है। सीबीआई ऑफिसर बनकर करते थे अपराध। ईरानी गैंग के 5 ईरानी नागरिक दिल्ली पुलिस के ने गिरफ्तार किए। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर खड़े ट्रक को एक बस ने मारी टक्कर। एक की मौत, 12 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी। बस में सवार थे कुल 100 पैसेंजर। उत्तर प्रदेश के मऊ में कंट्रोल खोकर गड्ढे में गिरी एक कार। 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जाहिर किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।